सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग एंड सबसे मुश्किल होता है कम करना चेस्ट फैट। काफ़ी लोग अपने चेस्ट फैट पे गिव अप कर देते हैं एंड सोचते हैं कि सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन, बट सर्जरी इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी। अगर आप अपने चेस्ट फैट का रूट कॉज समझ लें देन आप भी उसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो आई यूज़ टू हैव मैसिव मैन बूब्स। मैंने अपने टीनेज ईयर्स में काफ़ी सारा चेस्ट फैट डेवलप कर लिया था ड्यू टू मॉर्बिड ओबेसिटी। जब भी मैं रन करता, सीढ़ियाँ चढ़ता या फिर थोड़ा सा वॉक भी करता तो मेरा चेस्ट फैट जिगल होता था एंड इट यूज़ टू बी एक्सट्रीमली एम्बेरेसिंग। वो एम्बेरेसमेंट छुपाने के लिए लूज़ टी शर्ट पहनना, अंदर से कंप्रेशन क्लोथिंग पहनना, ये सब आप भी रिलेट कर पाते होंगे। एंड जब टीनेजर्स चेस्ट फैट डेवलप कर लेते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है एंड इट कैन अफेक्ट देम सिवियरली इन द फ्यूचर। जाने अनजाने में उनका फ्रेंड्स उनके मजाक उड़ा देते हैं विच कैन फर्दर लीड टू लो कॉन्फिडेंस लेवल्स। बट लेट मी टेल यू गाइज, चेस्ट फैट इज़ कम्प्लीटली फिक्सेबल। मैंने 1 ईयर में अपने चेस्ट को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। अभी अगर आप मेरा चेस्ट देखें उस पर विजिबल वैस्कुलैरिटी है, मसल स्टाइरेशन है एंड जीरो प्रेजेंस ऑफ चेस्ट फैट। इस टॉपिक पे मैंने बहुत स्टडी किया है एंड इस वीडियो में मैं आपको डाइट, हॉर्मोन्स एंड ट्रेनिंग टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप भी अपने चेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। सो पूरा एंड तक देखना एंड बिल्कुल स्किप नहीं करना बिकॉज एवरी लिटिल डिटेल इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए दैट मैन बूब्स इज़ नॉट गाइनोकोमेस्टिया, इट इज़ कॉल्ड एज सूडो गाइनोकोमेस्टिया। गाइनोकोमेस्टिया उन टीनेज लड़कों को होता है जो अपने प्यूबर्टी के टाइम में एक्चुअल ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप कर लेते हैं। 1-2 महीनों में या कुछ सालों में वो गाइनो चला भी जाता है। बट 80% लोगों को जिनको चेस्ट फैट होता है, जिनको मैन बूब्स होता है, उनको सूडो गाइनोकोमेस्टिया होता है विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू हॉर्मोन इम्बेलेंसेज इन द बॉडी। सूडो गाइनोकोमेस्टिया होता है बेसिकली डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड द चेस्ट रीजन। आपने तो सुना ही होगा दैट चेस्ट फैट इज कॉज्ड ड्यू टू हाई एस्ट्रोजन एंड लो टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन होता है आपका फीमेल हॉर्मोन जो आपको फीमेल फीचर्स देता है एंड टेस्टोस्टेरोन इज योर मेल हॉर्मोन। हाई एस्ट्रोजन एंड लो टेस्टोस्टेरोन का नंबर वन रूट कॉज हो सकता है ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ अरोमेट। सो अगर आपका फीमेल हॉर्मोन एस्ट्रोजन हाई है देन आपको फीमेल फीचर्स आ सकते हैं लाइक चेस्ट फैट, थाई फैट एंड हिप फैट। अगर आप फीमेल बॉडी में भी देखें उनका भी फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है अराउंड देयर हिप्स, थाइज एंड चेस्ट रीजन। दिस इज ड्यू टू देयर फीमेल हॉर्मोन्स। एंड अगर किसी मेल बॉडी में फीमेल हॉर्मोन्स इंक्रीज हो जाए तो उनकी बॉडीज में भी फीमेल फीचर्स आ सकते हैं। सो अगर आपके बॉडी में अरोमेटेज प्रोडक्शन ज़्यादा है आपका टेस्टोस्टेरोन भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है एंड हाई लेवल्स ऑफ अरोमेटेज का मेन कॉज होता है ओबेसिटी, इंसुलिन एंड एज। सो अगर आप ओबीस हैं मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है देन आपका टेस्टोस्टेरोन भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ओबेसिटी से अरोमेटेज प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो आप वो साइकिल देख सकते हैं वेयर ओबेसिटी इंक्रीजेस अरोमेटेज विच इन टर्न इंक्रीजेस ओबेसिटी एंड आपका चेस्ट फैट इंक्रीज हो जाता है। सो ये साइकिल बेसिकली ये पैटर्न को ब्रेक करने के लिए पहले आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, अपना बॉडी फैट लेवल कंट्रोल में लाना पड़ेगा। नाउ अगर आपका इंसुलिन लेवल हाई है आपका अरोमेटेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा एंड इंसुलिन हाई होने का मेन कॉज होता है एक्सेस जंक ईटिंग, हाईली प्रोसेस फूड्स खाना एंड हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स खाना। सो अगर आपके डाइट में हाईली प्रोसेस फूड्स ज़्यादा हैं, शुगर लेवल ज़्यादा है तो आपका इंसुलिन लेवल भी ज़्यादा होगा, आपका चेस्ट फैट डिपोजिशन इंक्रीज हो जाएगा। सो अपना इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए आप एक लो कार्ब डाइट पे जाएं। सो स्टेप 1 इज क्लियर, अपने डाइट से कंप्लीट शुगर बंद कर दीजिए एंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी कंट्रोल में रखें। नाउ स्टेप 2 होगा कि आप अपनी डाइट में क्रूसिफरस वेजिटेबल्स ऐड करें, वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स में एक कॉम्पाउंड होता है कॉल्ड एज डिम, डिंडोल मेथेन, विच हेल्प्स योर लिवर प्रोसेस एस्ट्रोजन बेटर। सो ये करने से आपका एस्ट्रोजन टू टेस्टोस्टेरोन रेशियो कंट्रोल में रहेगा। नाउ स्टेप 3 होगा कि आप अपनी डाइट में फाइबर और ऐड करें। कैबेज में फाइबर होता ही है, उसके साथ साथ आप बीन्स एंड बेल पेपर भी ऐड करें। फाइबर बेसिकली आपके एस्ट्रोजन के साथ बाइंड हो जाता है इन योर इंटेस्टाइन एंड फ्लशेज इट आउट। नाउ आपके ब्लड में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसे हम फ्री टेस्टोस्टेरोन कहते हैं एंड उसका मेजरिंग रेंज होता है एनीवेयर बिटवीन 300-700 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, SHBG। ये SHBG बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड कर देता है एंड आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कर देता है। सो अपना फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको अपना SHBG काउंट कम करना पड़ेगा एंड उसके लिए आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम एंड अश्वगंधा हैव शोन टू इंक्रीज योर फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल। सो इन विटामिन, मिनरल्स एंड अश्वगंधा को पाने के लिए मैं अपनी डाइट में मसल ब्लेज का बायोजाइम मल्टीविटामिन ऐड कर लेता हूँ। नाउ मसल ब्लेज बायोजाइम मल्टीविटामिन के एक पैकेट में 3 टैबलेट आती हैं। एक है आपका मल्टीविटामिन, एक है आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, एक और है आपका जॉइंट सपोर्टर।
सो आपको अलग अलग टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको एक ही पैकेट में तीनों मिल जाते हैं। नाउ अगर आपको मल्टीविटामिन नहीं लेना है नो प्रॉब्लम, आप अलग से जिंक मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मसल ब्लेस की वेबसाइट पे चेकआउट के टाइम आप कोड बिग मैन यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो गाइज अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं आई फील लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर। इस वीडियो का टारगेट हम 4000 लाइक्स रखते हैं, आई नो थोड़ा ज़्यादा है बट आपकी हेल्प के साथ ये भी अचीव कर सकते हैं। सो गाइज ये था डाइट एंड हार्मोन पर्सपेक्टिव से, बट हाउ डू यू टारगेट चेस्ट फैट एट द जिम, इज स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल? सो गाइज जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे था मैंने स्पॉट रिडक्शन पे बहुत स्टडी किया था क्योंकि द रिजल्ट्स विच आई फाउंड वेर वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग। कुछ स्टडीज ने बताया था कि स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल बट कुछ लेटेस्ट स्टडीज ने बताया था दैट स्पॉट रिडक्शन माइट जस्ट बी पॉसिबल। मैंने ये सीखा कि लूजिंग फैट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट होता है फैट मोबिलाइजेशन, जो आपका चेस्ट फैट है वो पहले मेल्ट होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है एज फैटी एसिड्स। नाउ इस चेस्ट फैट को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए इट शुड रीच योर सेल्स। बेसिकली फैटी एसिड आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड द फैट इज बर्न्ड ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज फैट ऑक्सीडाइजेशन। सो चेस्ट फैट को हम कैसे मोबिलाइज करें ताकि आपकी बॉडी उसको बर्न कर सके? सो फैट मोबिलाइजेशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले ये ऑटो रेगुलेटरी हॉर्मोन्स क्या होते हैं। नाउ गाइस ऑटो रेगुलेटरी हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स हैं जो आपके इंसुलिन को बैलेंस आउट कर देते हैं, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोगन एक्सेट्रा। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स होते हैं। एपिनेफ्रिन एक ऐसा ऑटो रेगुलेटरी हार्मोन है जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सेक्रेट करता है फॉर फैट मोबिलाइजेशन। पहले ये माना जाता था कि एपिनेफ्रिन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड एंड इट कैन मोबिलाइज फैट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इसीलिए स्पॉट रिडक्शन माइट नॉट बी पॉसिबल। बट लेटेस्ट स्टडी हैज शोन कि एपिनेफ्रिन इज सेक्रेटेड लोकली। आपके जो नर्व एंडिंग्स हैं दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू योर फैट सेल्स एंड एपिनेफ्रिन इज सेक्रेटेड लोकली थ्रू दीज नर्व एंडिंग्स। सो अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे आप प्रॉपर चेस्ट स्टिमुलेशन ला सकते हैं तो शायद आप चेस्ट फैट को मोबिलाइज कर सकें। बट अगर आप इस चेस्ट फैट को बर्न ना करें, बेसिकली मोबिलाइज फैट को अगर आप ऑक्सीडाइज ना करें तो वो वापस जाके आपके चेस्ट में सेटल हो जाएगा एज चेस्ट फैट। सो कैलोरी डेफिसिट में तो आपको रहना ही पड़ेगा एंड उसके साथ साथ जो मैंने पहले टिप्स दी थी वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी। सो अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे आप प्रॉपर चेस्ट स्टिमुलेशन ला सकें शायद आपकी बॉडी एपिनेफ्रिन लोकली सेक्रेट करे एंड आपका चेस्ट फैट बर्न हो सके। सो गाइज अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने जब ये आर्टिकल पहली बार पढ़ा था मैं बहुत एक्साइटेड था टू सी इफ आई कैन स्पॉट रिड्यूस चेस्ट फैट। सो ये ट्राई करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कॉल्ड एज बेंच एवरीडे प्रोग्राम, वेर 30 डेज के लिए मैंने रोज चेस्ट एक्सरसाइजेस की थी। एंड गेस वॉट, इन 30 डेज मैंने अपना चेस्ट काफ़ी हद तक चेंज कर लिया था, बट इसके साथ साथ मेरे को एक इंजरी भी हो गई थी। सो बेंच एवरीडे करने से मेरे को ये लर्निंग मिली थी दैट स्पॉट रिडक्शन माइट जस्ट बी पॉसिबल अगर आप सही एक्सरसाइजेस कर रहे हो। सो मैंने ये भी सीखा कि रोज बेंच करना इज नॉट ऑप्टिमल क्योंकि उसके साथ साथ इंजरीज भी आ सकती हैं। हफ्ते में 2 बार आपको चेस्ट एक्सरसाइजेस करनी है एंड यू नीड टू बी स्मार्ट विद दोज मूवमेंट्स। आपको कॉम्पाउंड, आइसोलेटेड कॉम्पाउंड एंड आइसोलेशन मूवमेंट भी करने हैं। नाउ मैं आपको ऐसे 4 एक्सरसाइजेस दिखाने वाला हूँ विच आर कंप्लीट गेम चेंजर फॉर मी एंड यू शुड ऑल्सो एड देम इन योर वर्कआउट रिजीम। सो गाइज प्लीज मेक नोट, ये एक्सरसाइजेस करने से आपका फैट मोबिलाइजेशन तो हो सकता है बट फैट ऑक्सीडाइज बेसिकली फैट बर्न करने के लिए आपको डेफिसिट में रहना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज इज स्लो कंट्रोल्ड पुशअप्स। आप नोटिस करें मैं धीरे से नीचे आ रहा हूँ एंड एक्सप्लोसिवली ऊपर जा रहा हूँ। एंड अगर आपसे पुशअप्स नहीं हो रहा आप नी पुशअप्स कर सकते हैं जो मैंने अभी डिस्प्ले किया है। सो हमारा फर्स्ट वेट मूवमेंट होगा बारबेल बेंच प्रेस। गाइस बारबेल बेंच प्रेस में आपको काफी अच्छा स्ट्रेच मिलता है बॉटम पोजीशन में। आपको ऐसा वेट सेलेक्ट करना है जो आप 12 से 15 रेप स्लो कंट्रोल्ड फैशन में परफॉर्म कर सकें। ऐसा नहीं होना है कि वो 12 रेप बहुत आसान हो एंड ऐसा भी नहीं होना है कि वो बहुत मुश्किल हो। 12 रेप कंप्लीट करने के बाद भी आपके रिजर्व में 1 या 2 रेप और होने चाहिए। मैंने इधर 60 kgs के अराउंड 15 to 17 reps लगाए थे एंड इसके बाद मैंने 80 kg के 6 to 8 reps लगाए थे। सो आप इधर पंप देख सकते हैं, देख के लगता नहीं कि वो सेम मोटा लड़का आज इतना श्रेडेड भी दिख सकता है।
सो गाइज नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस। आपको अपनी बेंच 30 डिग्री इंक्लाइन पे सेट करनी है, बेसिकली सबसे कम इंक्लाइन पे। इससे आपको अपर चेस्ट स्टिमुलेशन बहुत सही मिलता है। इधर भी आपको स्लो कंट्रोल्ड फैशन में 12 टू 15 रेप्स परफॉर्म करने हैं। मेक श्योर कि आप 1-3 सेकेंड्स नीचे मिलाएं एंड एक्सप्लोसिवली ऊपर पुश करें। इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपके चेस्ट को बहुत सही स्टिमुलस मिलेगा एंड यू विल नोटिस गुड ग्रोथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी क्लैविकुलर केबल प्रेसेस। ये मूवमेंट मेरे को रिसेंटली रचित बीर फ्रॉम बीरा फिटनेस ने सिखाई थी। इस मूवमेंट में आपको टॉप पोजीशन में बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है एंड आपके मसल को बहुत अच्छा स्टिमुलस मिलेगा। इस एक्सरसाइज में भी आपका गोल होना चाहिए आप मिनिमम 12-15 गुड क्वालिटी स्लो कंट्रोल रेप्स परफॉर्म करें। सो गाइज इन चार एक्सरसाइज को आप अपने वर्कआउट प्रोग्राम में ऐड करें एंड आप देखेंगे कि आपका चेस्ट शेप काफ़ी अच्छा आने लग रहा है। एंड अगर आप नहीं जानते कि इन एक्सरसाइज को कैसे अपने प्रोग्राम में ऐड करें, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक वर्कआउट प्रोग्राम लॉन्च किया है जो आप मेरे वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अपने वर्कआउट प्रोग्राम में मैंने इनके साथ साथ कुछ और भी एक्सरसाइज दिए हैं जो मैं अपने सेकेंडरी चेस्ट सेशन में भी करता हूँ। सो अगर आपको मेरा कंप्लीट चेस्ट रूटीन, कंप्लीट कार्डियो रूटीन, कंप्लीट बैक रूटीन चाहिए, आप मेरे वेबसाइट www.shopbigmind.in से मेरा वर्कआउट प्रोग्राम परचेज कर सकते हैं। इस वर्कआउट प्रोग्राम में मैंने अपने सारे एक्सरसाइजेस मेंशन किए हैं, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेपिटेशंस। मैंने उसके साथ साथ वीडियो लिंक्स भी दिए हैं कि आप इन एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म कर सकें। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।